नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बाबू तेरे खेल निराले, ये बाबू पुलिस वाले हैं। मामला रोहतास के इंद्रपुरी थाना का है। इंद्रपुरी थाना में पदस्थापित दारोगा जी अपने यहाँ एक मजदूर को काम कराते हैं और मजदूरी में उसे शराब देते हैं। मजदूर बहुत खुशी खुशी शराब लेकर के घर जाता है और चूंकि पुलिस वाले बाबू शराब दिए हुए थे तो निर्भीक होकर के अपने दो साथियों के साथ शराब पीता है और शराब पीने के बाद फिर पुलिस वाले बाबू उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और गिरफ्तारी का धौंस देते हैं, उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी करते हैं। ये पूरा मामला रोहतास के इंद्रपुरी थाना के भुइया टोला का है, जहाँ पर भुइया समाज के एक मजदूर ने दारोगा साहब के यहाँ जा कर के मजदूरी किया। मजदूरी में उसे शराब दिया गया और वो ला कर के शराब पीता है। शराब पीने के बाद गिरफ्तारी के लिए उन्हीं पुलिस वाले बाबू के द्वारा उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उसकी पत्नी के साथ बदतमीजी किया जाता है। आप सुन सकते हैं उस मजदूर की पीड़िता पत्नी की जुबानी, उसकी कहानी। हमारा पति के मामला हुआ है कि दो दिन पहले काम किए थाना में से बड़ा बड़ा दारू दिए मंजूरी के बदल, आ वो मंजूरी एक बदल दारू भी दिए, दारू घर में रख दिए और दो दिन से ढड़ के पी रहे थे। तो दो आदमी बोला ना कि से आपको मदद कर देंगे तो दारू पिलाएगा, तो बोला थी कि से हाँ पियाएंगे, से हमको तो बड़े बाबू दिए हैं दारू तो पियेंगे नहीं, तो बोझा ढोवाने तो उन लोग अगला दिए तो उन लोग पी के निकला रोड पर ना, तो उन लोग के गया थाना तो धर लिया, धरे तो पूछे कहाँ पिए रे, तो उन लोग गए तो कहें कि हम पिए हैं घर के पास, तो घर के पास पिए हैं ना, तो चलो खोलवाबो, तो गिए बड़ा बहू तो बोले ना कि खोलो खोलो से आपको हम अति आए हैं हित आए हैं, खोलिए ना जिसे हित आए हैं। तो हमको पति बोला कि हित इतना कौन है, तो खोलना है से हित है आपको मौका के हैं, तो पति खोला बस गया तो थाना बड़ा बहू धलिए हाथ धलिया, तो हम सूते थे खाटी पर तो हमको हाथ धलिया, तो हम बोले कि छोड़िए से जेंट्स के जेंट्स धरेगा लेडीज के लेडीज धरेगा, लेडीज लेके नहीं आया है हमको धर रहा है, तो अरे धर इसको भूत बोल रहा है, तो हम कहे कि भागे कि सर हमको दो नंबर लगा है, तो कि पति और पत्नी सुतल है आपको दो नंबर लग गया तो नहीं नहीं छोड़ेंगे, तो हमको साल धले लिया तो साल छोड़ के भागा, तो हमको लुगा धले तो हम लुगा खोल के भागे साया पर, हमको पति गिरफ्तार करके ले गया और जाके और दे दिया है बेचने में नाम। कौन थाने का मामला है? इंद्रपुरी थाना का मामला है। तो आपके पति थाने में क्या करते थे? कुछ काम उसको बड़ बाबू के पड़ता था तो चौकीदार भेजता था, चौकीदार के भेज के जाइए लल्लू को बुला के ले आइए यही काम करवाना है, तो झाड़ी उड़ी साफ सफाई करवा दिए आ चलिए दू को चाहे तो सीसी एगो चलता है वो सीसी धरा देते हैं, ना तो कौन सा दारू धर के आता है वो धरा देते कि चलो जब पीने खाने वाला जात है, तो हम सोचे कि जब पिए खाने वाला है, हमको पति बोले कि बड़ा बाबू हमको फूल पामर दिए हमको डर नहीं है, हमको पति पी के घर में रख दिए हैं और वो अपने दारू दिए हैं अपने धर के ले गए हैं, हमको पति के बेचने में नाम डला गया है। मतलब पुलिस आपके पति को फंसा दी है? हाँ। आप एसपी साहब से मिली? हाँ मिले, तो एसपी साहब हम सब कुछ नहीं बयान पूछे, खाली लड़के से दू को बात पूछे कि पापा के लल्लू नाम है, तो बोला कि हाँ तो जाइए बाहर से इंस्पेक्टर के भेज रहे हैं जांच करने के लिए, बस इतने कह के हमको बाहर निकाल दिया, हमको दुख नहीं सुने, हम सोचे कि पति के अपना दुख सुना के चार गो बाल बच्चा है कैसे हम पोसेंगे, कमाने वाला हुए है तो बच्चे को चलते हम इस भी दिन भर आज भी खैले पीले बो रहे हैं कि अब इसी साहब से मिल के हम क्या चाहते हैं बाप? हम चाहते हैं कि हमारा पति आपस आ जाए, जैसे किसको हम रोजा मंजूरी काम किए हैं बारह बजे हमें बोझा मिलवे करते हैं, तो हम ढोते हैं बांधते हैं तुमको एगो बोझा मिलेगा, तुमको सब तो खेत में पड़ल है तो हम नहीं करेंगे तो हमारा देगा कहाँ से किसान जी। इस तरह का मामला तो मुझे आज संज्ञान में आया है, चूँकि मैं बिहार प्रदेश का भीम आर्मी का प्रदेश महासचिव हूँ और मैं चाहूँगा कि जो भी पीड़ित परिवार है उसको जाँच किया जाए। मैं एसपी साहब से निवेदन करूँगा कि अगर मामले में अगर संदिग्ध हैं, अगर थाना प्रभारी या थाना इंद्रपुरी थाना जो है क्षेत्र में जो है अगर इस तरह का कार्य कर रही है कि मजदूरी के बदले शराब दिया जाए तो ये बहुत ही गलत बात है और घिनौना कृत्य है, और जबकि सरकार जो है निरंतर श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी लगातार ये बनाए हुए हैं कि बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से पूर्ण करना है और इसके लिए प्रशासन ने नकेल कसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी गरीब तबके के लोग के जो भुइयां प्रजाति भुइयां जाति से लोग हैं उनको पीड़ित किया जा रहा है और बदले में अपने जो भी अपनी इच्छा रही है उनकी जो भी मंशा रही है उसके तहत उनको मजदूरी के बदले उनको शराब दिया गया है, जो कि बहुत ही बेकार चीज़ है। मैं चाहूँगा एसपी साहब से एक बार फिर निवेदन करूँगा कि इस पर जाँच कराएँ और जाँच करा के दोषियों को कार्रवाई करें। सुना आपने, ये है किस्मतिया देवी। किस्मतिया देवी
किस तरीके से आहत है। उसको नहीं पता था कि शराब कितना बुरा है और मेरे पति को किस तरीके से पुलिस महकमे के एक अधिकारी के द्वारा बरगलाया गया है। उसका कहना है कि दारोगा जी पहले ले जा करके मेरे पति को मजदूरी कराते हैं और मजदूरी करने के बाद पैसा देने के बदले शराब दे देते हैं। मेरा पति जो है शराब ला करके घर में रख देता है, फिर दो लोग आकर के दरवाज़ा खटखटाते हैं, शराब पीने की बात करते हैं। मजदूर जो है वो गुमान में है कि दारोगा जी ने मुझे शराब दिया है, तो फिर डर किस बात की। और फिर शराब पीते हैं बैठ करके, वो दोनों लोग जाते हैं और जाने के बाद फिर पुलिस वाले बाबू आते हैं और फिर आ करके सारा कुछ कृत्य किया जाता है, जो कि किस्मतिया देवी आपको बता चुकी हैं। अब इस मामले को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता भी उठ खड़े हुए हैं और इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये है बिहार जहां पर पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी का माखौल उड़ा रहे हैं वो लोग जिनके कांधे पर जमीनी स्तर पर शराबबंदी को लागू कराने की जिम्मेदारी है। तो अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। देशवा न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में शराबबंदी कानून को लेकर के जो भी आपका सुझाव हो वो देते रहिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।